अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। लेट्स स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो दिस इज 10th लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू एंटोमोलॉजी, मंडे ऑफ 4th मई 2020। सॉरी कि थोड़ा मेरा ये लेक्चर लेट हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह ये आप लोग को समझ आएगी। सो इन previous lecture I have discussed about the body wall or integument of insect. So that was the topic that was left in the previous lecture, that is the chemical composition of a body wall. That I have also teach you that how different layers or different layers of epicuticle and different layers of procuticle and what are chemicals are present inside these layers. So now start with the chemical composition of body wall. So chemically, cuticle is mainly consist of chitin except epicuticle. ठीक है, हमारे पास जो क्यूटिकल लेयर है, हमने कहा तीन लेयर्स हैं बॉडी वॉल में, क्यूटिकुलर लेयर, एपिडर्मल लेयर और बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो क्यूटिकल जो है इट मेनली कंसिस्ट ऑफ काइटिन एक्सेप्ट एपिक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल का हमने पढ़ा था कि इसमें काइटिन नहीं होता। उसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी कि एपिक्यूटिकल में हमारे पास फोर डिफरेंट लेयर्स हैं। फर्स्ट इज द सीमेंट लेयर, कि सीमेंट लेयर हमारे पास किस चीज़ से बनी हुई है, लाइपोप्रोटीन से बनी हुई है। सेकंड हमारे पास, और सीमेंट लेयर क्या करती है, वो एक्सटर्नल डैमेज से प्रोटेक्ट करती है। फिर वैक्स लेयर है जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक कंपाउंड से बनी हुई होती है, अल्कोहल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल से बनी हुई है, तो वो हमारे पास वैक्स लेयर है। इसके अलावा हमारे पास थर्ड थी फिनोलिक लेयर, के जो डिफरेंट पॉलीफिनोल से, ये पॉलीफिनोलिक लेयर है तो वो फिनोल से बनी हुई होती है। और फोर्थ लेयर हमने क्यूटिकुलिन लेयर पढ़ी थी। तो इसमें कहीं भी हमारे पास एपिक्यूटिकल में काइटिन प्रेजेंट नहीं होता, और चूंकि ये बहुत थिन लेयर है एपिक्यूटिकल, बाकी हमारे पास मेजर पोर्शन जो है क्यूटिकल लेयर का वो हमारे पास प्रोक्यूटिकल बनाती है, जिसमें एक्सो और एंडोक्यूटिकल है। तो दोनों एक्सो और एंडोक्यूटिकल में हमारे पास काइटिन प्रेजेंट होता है। तो ये सबसे एबंडेंट केमिकल है हमारे पास जो क्यूटिकुलर लेयर में प्रेजेंट होता है। सो व्हाट इज काइटिन? काइटिन इज पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन रेजिस्टेंट टू वीक एसिड्स एंड अल्कलीज, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन स्ट्रॉन्ग एसिड। हमारे पास काइटिन क्या, इट इज अ पॉलीमर। पॉलीमर हम क्या कहते हैं, किस चीज का पॉलीमर है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। अगर मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये हमारे पास ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के साथ हमारे पास, अगर आप लोगों को नजर आए, दिस वन इज एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास एसिटाइल है, एसिटाइल, और ये हमारे पास एमाइनो ग्रुप है, NH2, एक उसके H के साथ हमारे पास एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है। सो एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, ये हमारे पास एसिटाइल ग्लूकोज एमीन है। तो एन मीन्स दैट कि हमारे पास डिफाइन नहीं है कि कितने हमारे पास पॉलीमर्स हो सकते हैं। लाइक पॉलीमर्स हम कहते हैं इस तरह के बहुत से यूनिट्स आपस में अटैच होंगे, लाइक एक ये यूनिट है, दिस वन इज वन एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, या और वी कैन से एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। दिस वन इज एसिटाइल ग्रुप, दिस इज एमाइनो ग्रुप एंड दिस इज ग्लूकोज। सो एसिटाइल ग्लूकोज एमीन ये एक कंपाउंड है और इसका पॉलीमर है, लाइक ये हमारे पास कार्बन नंबर इसकी 4 है और कार्बन नंबर 1, तो इनके दरमियान हमारे पास ऑक्सीजन लिंकेजेस होते हैं। हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मोस्टली दो टाइप्स ऑफ लिंकेजेस से जुड़ते हैं, या तो वो ऑक्सीजन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, जो बॉन्ड जो हमारे पास दो कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान हो उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अगर इसके दरमियान नाइट्रोजन के जरिए बॉन्ड होता तो हम उसको नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो काइटिन हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन का एक पॉलीमर है। इट इज़ रेजिस्टेंट टू वीक एसिड्स, हमने ये भी पढ़ा था बॉडी वॉल के जब हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास वीक एसिड्स जो हैं वो बॉडी वॉल को कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे पास जो वो पॉलीफिनोलिक लेयर पड़ी थी वो भी एसिड से रेजिस्टेंट थी, अल्कली से भी रेजिस्टेंट है ये, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये हमारे पास काइटिन जो कंपाउंड है ये पानी में डिजोल्व नहीं होता, एंड सॉल्युबल ओनली इन स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड में ये डिजोल्व हो जाता है। काइटिन इज ऑल्सो नॉट अटैक्ड बाय द मेमेलियन एंजाइम्स। हमारे पास जो मेमेलियन एंजाइम्स है, लाइक अगर हम लोग इंसेक्ट वगैरह को खा जाएं या बाय मिस्टेक हमारा कोई इंसेक्ट जिंदा हालत में हमारे स्टमक में चला जाए, तो हमारे पास जो एंजाइम्स हैं लाइक पेप्सिन है, हमारे पास ट्रिप्सिन है, लाइपेजेज हैं, माइलेजेज हैं, तो वो
काइटिन पे एक्ट नहीं करते, बिकॉज काइटिन कंपाउंड और काइटिन को हमारे पास सिर्फ काइटिनेजेस हैं जो काइटिन को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ममेलियन एंजाइम्स भी काइटिन को कुछ नहीं कहते, ओनली बैक्टीरिया बेसिलस काइटिनोवोरस, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, विच कैन सिंथेसाइज दिस काइटिनेज, और ये काइटिनेज ये बैक्टीरिया बनाता है एंड डाइजेस्ट काइटिन, और यही बैक्टीरिया है जो हमारे पास डिफरेंट डिजीजेज प्रोड्यूस करता है या इंसेक्ट्स में, और उनकी बॉडी वॉल में काइटिनेजेस सिक्रीट करके उनकी बॉडी वॉल को रिमूव कर देता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास इंसेक्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है और वो मर जाता है। और ये बैसिलस काइटिनोवोरस जो है, यही बैक्टीरिया जो है, हम इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी यूज़ करते हैं। लाइक हम क्या करते हैं, बैसिलस काइटिनोवोरस का स्प्रे कर देते हैं, तो ये सिर्फ किसको अटैक करता है, इंसेक्ट को अटैक करता है। तो हमारे पास जितने भी इंसेक्ट पेस्ट होते हैं तो उन पे उनकी बॉडी पे जाके ये अटैच हो जाता है, और वहाँ पे जैसे ही काइटिनेजेस सिक्रीट करता है तो वो डाइजेस्ट काइटिन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही काइटिन और ये क्यूटिकल डाइजेस्ट होती है तो फिर क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास पानी की शॉर्टेज को रोक के होते हैं, तो हमारे पास वाटर जो इंसेक्ट है वो डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाता है और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। इन सब चीज़ों के अलावा हमारे पास पॉलीफिनोल्स और ईस्टर्स और हमारे पास काइटिन वगैरह के अलावा कुछ प्रोटीन भी होते हैं जो इंसेक्ट्स की बॉडी वॉल में पाए जाते हैं। द वेरी फर्स्ट प्रोटीन इज द आर्थ्रोपोडीन। आर्थ्रोपोडीन इज सॉफ्ट प्रोटीन एंड इट चेंज टू स्क्लेरोटिन। ठीक है, हमारे पास जब जैसे ही न्यू यंग वन राइज होता है या जैसे ही हमारे पास क्या कहते हैं कि एक बार एक्डाइसिस प्रोसेस जो है, जिस यानी कि वो स्किन चेंज कर रहे होते हैं, उसके बाद अंदर से जो दूसरा इंसेक्ट होता है उसकी आप मेम्ब्रेन देखें, उसकी जो बॉडी वॉल देखें वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। वो सॉफ्ट क्यों होती है कि उस टाइम उसमें आर्थ्रोपोडीन होता है प्रोटीन, वो प्रोटीन जो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाता है स्क्लेरोटिन में, और स्क्लेरोटिन हमारे पास क्या है, इट इज़ हार्ड प्रोटीन एंड इट इज फाउंड इन एक्सोक्यूटिकल। अगर हम आपको याद हो हमारे पास प्रोक्यूटिकल डिवाइड हो रही थी एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल में, तो हमारे पास जो स्क्लेरोटिन प्रोटीन है वो सिर्फ एक्सोक्यूटिकल में प्रेजेंट होता है, एंडोक्यूटिकल में कोई प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट नहीं होता। तो हमारे पास ये स्क्लेरोटिन प्रोटीन, हमने पढ़ा था कि ये स्क्लेरोटाइजेशन प्रोसेस करता है, कि डिफरेंट स्क्लेराइट्स में डिवाइड करता है सेगमेंट्स को। तो हमारे पास जो ये स्क्लेराइट होता है या जो सूचर आता है या जो स्क्लेरोटाइजेशन प्रोसेस ये हमारे पास एक्सोक्यूटिकल तक आता है, और एंडोक्यूटिकल से जो है हमारे पास सारे इंसेक्ट की मेम्ब्रेन वो एक जैसी होती है नीचे से, यानी कि कॉन्टिन्यूस होती है, उसमें कोई सूचर्स वगैरह या डिफरेंट स्क्लेराइट्स में डिवीजन नहीं होती, वो रेगुलर होती है और कॉन्टिन्यूस होती है। ठीक है, अच्छा जो थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन है दैट इज रेजिलिन। सो रेजिलिन क्या है हमारे पास, इट इज़ रबर लाइक इलास्टिक प्रोटीन। हमारे पास ये रबर लाइक इलास्टिक प्रोटीन है, और कहाँ का प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन लेग जॉइंट्स, क्योंकि हमारे पास मोस्टली जो जॉइंट्स हैं उन्होंने मूवमेंट करनी होती है, तो ये रबर लाइक इलास्टिक प्रोटीन है। और हमारे पास कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं कि जो हमारे पास जिन्होंने जंप करना होता है, तो जंपिंग इंसेक्ट में हमारे पास उनको इस रेजिलिन प्रोटीन हेल्प करता है। इस तरह विंग जॉइंट्स में भी ये रेजिलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, बिकॉज अगर वहाँ पे हमारे पास स्क्लेरोटिन प्रोटीन प्रेजेंट हो तो वो बिल्कुल इतना हार्ड होता है कि वो मूवमेंट अलाउ नहीं करता। अगर वहाँ पे आर्थ्रोपोडीन हो तो ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसके फाइबर्स टूट जाएंगे, कि जितनी स्पीड से विंग्स बीट करते हैं या जिस जोर लगता है जंप मारने में इंसेक्ट को। तो रेजिलिन प्रोटीन एक तो रबर लाइक है, लाइक इसमें इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है इलास्टिक प्रोटीन, और लेग जॉइंट्स में प्रेजेंट है, विंग जॉइंट्स में प्रेजेंट है, और इजीली मूवमेंट को अलाउ करता है, और दूसरा इसके फाइबर्स भी नहीं टूटते, स्ट्रांग प्रोटीन है। क्लाइपियो लेबरल जॉइंट में भी ये प्रेजेंट होते हैं, और ये क्लाइपियो लेबरल जॉइंट ये हमारे पास हम जब हेड पढ़ेंगे तो इसमें ये ऐसा स्क्लेराइट है कि जो मूव करता है। इसके अलावा स्टर्गोस्टर्नल जॉइंट, ये क्लाइपियो लेबरल जॉइंट में आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, टर्गोस्टर्नल जॉइंट हमारे पास किसे कहते हैं, लाइक अगर आप इसको देखें, हमारे पास ये फॉर एग्जांपल इंसेक्ट बॉडी है। ठीक है, हमारे पास इंसेक्ट बॉडी या आप ह्यूमन बॉडी देखें, हम जिस तरह ह्यूमन बॉडी को डिवाइड करते हैं कि वेंट्रल पार्ट है बॉडी का, डॉर्सल सरफेस है और लेटरल साइड है, तो ये अगर इंसेक्ट बॉडी की देखें, ये हमारे पास इसकी डॉर्सल सरफेस है, ये आगे जो है ये इसकी वेंट्रल सरफेस है, साइड वाली जो है ये हमारे पास लेटरल सरफेस है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि इंसेक्ट की जो ये डॉर्सल सरफेस है इसको हम टर्गम कहते हैं, इसकी जो बॉडी वॉल है वो बॉडी वॉल जो इंसेक्ट की डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है उसको हम टर्गम कहते हैं, वो बॉडी वॉल जो इंसेक्ट की वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट है उसको हम स्टर्नम कहते हैं। लाइक अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास इंसेक्ट की टर्गम है, और ये वाली ये जो है हमारे पास इंसेक्ट की
स्टर्नम है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि कभी कभार, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एब्डोमेन में मोस्टली कोई ज्वाइंट या स्क्लेराइट प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन कभी कभार ये एब्डोमेन में भी स्क्लेराइट या सूचर प्रेजेंट होता है। इस ज्वाइंट को हम कहते हैं टर्गो स्टर्नल ज्वाइंट। लाइक ये ऊपर वाली टर्गम है, ये स्टर्नम है, और ये टर्गम और स्टर्नम के दरमियान जो ज्वाइंट है, तो इस ज्वाइंट में भी हमारे पास रेजिलिएंट प्रोटीन होता है। और ये भी आपके पास आपने चेक किया होगा कि एब्डोमेन जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, क्यों, बिकॉज उसमें स्क्लेरोटाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता और स्क्लेरोटिन प्रोटीन नहीं होता, तो इसीलिए ये हमारे पास सॉफ्ट होता है, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर इसमें कुछ भी आपको समझ आए तो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछ लेना है, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्यूटिकुलर आउटग्रोथ्स। ये हमारे पास एक और इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी का एक टॉपिक है, क्यूटिकुलर आउटग्रोथ। लाइक द क्यूटिकल ऑफ इंसेक्ट इज नॉट स्मूथ। हमारे पास क्यूटिकल जो इंसेक्ट की है, आप उस पर अगर हाथ फेरें तो वो स्मूथ नहीं होती, बट इट इज कवर्ड विद वेरियस आउटग्रोथ्स लाइक स्पिक्यूल्स, स्पाइंस, हेयर, स्केल्स एटसेट्रा कॉल्ड द क्यूटिकुलर आउटग्रोथ्स, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल अगर इंसेक्ट की बॉडी पे हाथ फेरें तो हमारे पास बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिसमें वो बॉडी क्यूटिकल जो है स्मूथ नहीं होती, बल्कि उसमें बहुत सी आउटग्रोथ्स होती हैं। लाइक उसमें हेयर्स होंगे, आपने इंसेक्ट की बॉडी को गौर से देखें तो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी नजर आएंगे। स्पाइंस होंगे, स्पाइंस अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर आप ग्रास हॉपर की हाइंड लेग देखें, जो ग्रास हॉपर होता है बड़ा बड़ा आ जाता है, तो उसकी हाइंड लेग जो होती है, जो पीछे पीछे वाली टांग होती है, मेटाथोरेसिक सेगमेंट पे जो लेग लगी होती है, हाइंड लेग, उस पे आपको बहुत से स्पाइंस नजर आएंगे। तो ये हमारे पास क्या आउटग्रोथ्स हैं क्यूटिकल की। इसी तरह और भी डिफरेंट आउटग्रोथ्स पाई जाती हैं, और वो आउटग्रोथ्स हम एक एक करके स्टडी स्टार्ट करेंगे। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्यूटिकुलर आउटग्रोथ्स। आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास क्या है आउटग्रोथ्स, कि हमारे पास इंसेक्ट की जो क्यूटिकल है वो स्मूथ नहीं होती, बल्कि उसमें बहुत से आउटग्रोथ्स होती हैं, लाइक स्पिक्यूल्स हैं, स्पाइंस हैं, हेयर्स हैं, और ये एक एक करके हम पढ़ते हैं। सो मेनली जो है हमारे पास दो टाइप्स की क्यूटिकुलर आउटग्रोथ्स होती हैं। द वेरी फर्स्ट इज क्यूटिकुलर अपेंडेजेस एंड द सेकेंड इज क्यूटिकुलर प्रोसेसेस। क्या डिफरेंस है इसका, क्या चीज़ें हैं, ये हम एक एक करके पढ़ते हैं। सो मूविंग टू द वेरी फर्स्ट type of cuticular outgrowth, that is cuticular appendages. अगर appendage हम किसे कहते हैं, हमारे पास appendage simply outgrowth को भी कहते हैं। like हम जो arms है हमारी, तो उनको हम appendage कहते हैं, legs जो है उनको हम appendage कहते हैं, कि किसी भी part से कुछ outgrowth arise हो रही हो। तो cuticular appendages क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर कनेक्टेड विद क्यूटिकल बाय मीन्स ऑफ मेम्ब्रेनस ज्वाइंट। दे आर कनेक्टेड विद क्यूटिकल बाय मीन्स ऑफ मेम्ब्रेनस ज्वाइंट। लाइक अगर आप इधर देखें तो हमारे पास ये जो है ये बना हुआ है, आपको दिस इज अ क्यूटिकुलर अपेंडेज। तो हमारे पास क्या होता है कि ये क्यूटिकल जो है, ये एक क्यूटिकल है, ये दूसरी क्यूटिकुलर जो बॉडी वॉल है, ठीक है, इसके दरमियान गैप होता है, और हमारे पास ये जो क्यूटिकुलर अपेंडेज है वो इस मेम्ब्रेनस ज्वाइंट, दिस वन इज अ मेम्ब्रेनस ज्वाइंट या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे पास जो ज्वाइंट्स हैं दो किस्म के होते हैं। अगर वो ज्वाइंट मूवेबल है तो उसको हम आर्टिकुलेशन कहते हैं। लाइक हमारे पास जो एल्बो ज्वाइंट है, ये मूवेबल है, इसको हम इस ज्वाइंट को हम आर्टिकुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो जो भी ज्वाइंट, ऐसा ज्वाइंट जो मूवमेंट को अलाउ करे उसको हम आर्टिकुलेशन कहते हैं, और दूसरा ज्वाइंट जो मूवमेंट को अलाउ ना करे उसको हम फिक्स ज्वाइंट कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये आर्टिकुलर मेम्ब्रेन है, लाइक ये ऐसा ज्वाइंट है कि ये जो अपेंडेज है हमारे पास मूव कर सकती है, ठीक है। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, दे आर कनेक्टेड विद क्यूटिकल बाय मीन्स ऑफ मेम्ब्रेनस ज्वाइंट, कि ये हमारे पास क्यूटिकुलर अपेंडेज है, ये क्यूटिकल के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, बल्कि क्यूटिकल के साथ इस आर्टिकुलर मेम्ब्रेन के जरिए या मेम्ब्रेनस ज्वाइंट के साथ अटैच है। और ये जो ज्वाइंट है, दे आर मूवेबल आउटग्रोथ्स, तो ये जो ज्वाइंट है ये इसको मूवमेंट के लिए अलाउ करता है। लाइक हमारे पास जितने भी क्यूटिकल अपेंडेजेस होंगे वो मूव कर सकेंगे, लाइक हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होंगे। लाइक अगर आप देखें, हमारे पास कल अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो अपने घर में कोई हाउस फ्लाई या कोई भी इंसेक्ट देखें, अगर उसकी बॉडी पे आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखें तो आप उस पे हाथ फेरे तो वो मूव करेंगे इधर उधर। तो ये हमारे पास क्यूटिकुलर अपेंडेजेस हैं। लेकिन अगर आपको मैंने अभी बताया कि ग्रास हॉपर की जो पीछे वाली लेग्स हैं उन पे जो आप देखें वहाँ पे स्पाइंस या कांटों की ना बहुत आउटग्रोथ होती हैं सख्त सी, तो आप उसको हिलाएं तो वो मूवेबल नहीं होती, वो वहाँ पे फिक्स्ड होती हैं। तो हमारे पास जो क्यूटिकुलर अपेंडेजेस हैं ये हमेशा मूवेबल होंगी।
और मूवेबल क्यों होती है? बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द क्यूटिकल बाय मींस ऑफ मेम्ब्रेनस ज्वाइंट, और वो मेम्ब्रेनस ज्वाइंट के साथ डायरेक्ट क्यूटिकल के साथ अटैच नहीं होती। अगर डायरेक्ट क्यूटिकल के साथ अटैच होंगे तो क्योंकि क्यूटिकल हमारे पास हार्ड पार्ट है तो वो मूवमेंट अलाउ नहीं करता। तो चूंकि ये मेम्ब्रेनस ज्वाइंट के साथ अटैच होती है देयर फॉर दे आर मूवेबल आउटग्रोथ्स। सॉरी फॉर दैट। So moving to next topic, they arise from cells of epidermal layer. ठीक है, हमारे पास जो cuticle appendages हैं, they arise from cells of epidermal layer. अगर आपको याद हो कि हमारे पास epidermal layer हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने hair forming cell पढ़ा था, ठीक है, या हमने पढ़ा था CT forming cell भी पढ़ा था, या हमने hair forming cell पढ़ा था, I don't know. Like अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें तो ये हमारे पास, देखें हमारे पास ये जो है इसको हम कहते हैं पिट, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्यूटिकुलर पिट। इसमें ये क्यूटिकल यहाँ से इसके साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। हमारे पास क्या है कि ये मेम्ब्रेनस ज्वाइंट के साथ ये अटैच है, और जो हमारे पास कोई भी अगर क्यूटिकुलर अपेंडेज होगी तो वो नीचे आके किसके साथ अटैच होगी, किसी भी एपिडर्मल सेल के साथ। ये जो हमने पढ़ा था ट्राइकोजन सेल, तो ये ट्राइकोजन सेल हमारे पास, तो क्यूटिकुलर अपेंडेजेस जो भी होगी उसका लाजमी कनेक्शन जो है वो ट्राइकोजन सेल जो है एपिडर्मल लेयर में प्रेजेंट होते हैं उसके साथ कनेक्शन जरूर होगा। ये एक टॉर्मोजन सेल है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारे पास क्यूटिकुलर अपेंडेजेस क्या होते हैं, कि पहली इनकी प्रॉपर्टी कि ये मेम्ब्रेनस ज्वाइंट के साथ अटैच होंगे, डायरेक्ट क्यूटिकल के साथ अटैच नहीं होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये मूवेबल होंगे, मीन्स मूवमेंट कर सकेंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये लाजमी जो है किससे अराइज होते हैं, ये किसी भी एपिडर्मल सेल से अराइज होंगे। तो हमारे पास क्यूटिकुलर अपेंडेज जो हैं, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज सीटा और मैक्रोट्रिकिया एंड स्पर्स, ठीक है। हमारे पास इनकी फर्दर टाइप्स हैं, सीटा है जिसको हम मैक्रोट्रिकिया भी कहते हैं, और स्पर्स हैं। So for now we start with the seta or macrotrichia. This is the very first type of cuticular appendages. Seta or macrotrichia. So पहले पढ़ते हैं इसको. They are commonly called as hairs. इनको हम commonly क्या कहते हैं? Hairs कहते हैं. Like मैंने आपसे कहा कि अगर आप house fly को पकड़ लें या कोई भी insect पकड़ लें, उस आपको उस पे hair like structures अगर नजर आ रहे हैं तो वो हमारे पास क्यूटिकुलर अपेंडेजेस हैं। तो अगर वो अभी हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि सीटी और स्पर में क्या फर्क है, ठीक है। इट अराइज फ्रॉम कप लाइक पिट और अल्वियोलस। ये जो हमारे पास पिट मैंने आपको दिखाया था, इसको हम अल्वियोलस कहते हैं। लाइक इधर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे पास जो पिट है, दिस इज नोन एज अल्वियोलस। एंड एट इट्स बेस सीटा इज अटैच्ड बाय मींस ऑफ आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। लाइक अगर मैं आप लोगों को सही से दिखाऊं तो हमारे पास वो पिछली जो डायग्राम थी वो बिल्कुल बेस्ट थी इसको समझने के लिए। अच्छा, तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास अल्वियोलस है, या जो हमको जिसको पिट भी कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एट इट्स बेस सीटा इज अटैच बाय मीन्स ऑफ आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, सो दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। ये इधर मैं आपको दिखाऊं, सो दिस वन इज आर्टिकुलर मेम्ब्रेन जिसके साथ ये अटैच है, ये पिट है और ये आर्टिकुलर मेम्ब्रेन उसकी बेस के साथ अटैच है। सीटा और हॉलो स्ट्रक्चर, हॉलो मीन अंदर से खोखले होंगे, लाइक इधर आपको नजर आ रहा होगा कि ये अंदर से बिल्कुल हॉलो है, खोखला है। Developed as extensions of exocuticle, कि हमारे पास एग्जोक्यूटिकल के extensions के तौर पर rise होने, like ये epicuticle है और ये हमारे पास इधर exocuticle, तो ये यहाँ से exocuticle के extension के तौर पर arise होते हैं। And is arise from single large epidermal cell or hypodermal cell called trichogen cell. मैंने पता है कि हमारे पास trichogen cell हमने पढ़ा था, या hair forming cell, तो ये trichogen cell of epidermal layer से ये arise होता है।
देयर इज अनदर सेल दैट फॉर्म्स अ सीटल मेम्ब्रेन और सीटल सॉकेट कॉल्ड सॉकेट फॉर्मिंग सेल और टॉर्मोजन सेल। तो ये हमारे पास ट्राइकोजन सेल के जो ये साइडों पे दो सेल हैं, तो ये हमारे पास सेल क्या करते हैं, दीज सेल्स फॉर्म सॉकेट। ये जो हमारे पास पिट बना हुआ है या सॉकेट बनी हुई है, हमारे पास ये टॉर्मोजन सेल बनाते हैं, इनको हम सॉकेट फॉर्मिंग सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। सीटी आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम टेक्सोनोमिक पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर ऑफ सीटी वेरीज एंड दे हैव सिग्निफिकेंट पोजीशन ऑन थोरैक्स एब्डोमेन इन अ स्पीशी एंड अ फील्ड ऑफ केटोटैक्सी। ठीक है, तो ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये पॉइंट, तो ये मैं आप लोगों को कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। आई होप यहाँ तक कि आपको समझ आई होगी। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द क्लास। अल्लाह हाफिज़।